तो शिव जी का जो व्रत होता है मंडे को, वो मैं हर साल करती थी, बट लास्ट ईयर जो है मैंने छोड़ दिया था और इस साल मैंने फिर से पकड़ा है, क्योंकि इस बार जो सोमवारी 2 महीने का था तो मैंने 2 महीने पूरा सोमवारी किया है एंड मैं इसको कंटिन्यू एक मंडे का ब्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पूरे घर को क्लीन करना होगा, तो पहले झाड़ू मारना, फिर उसके बाद पूरे घर को अच्छे से पोछा करके क्लीन करना और घर को सेट करना, क्योंकि आज पूजा है तो हमें भी और घर को भी क्लीन होना चाहिए पूजा के दिन। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैं पूरे घर को अच्छे से पोछा करके क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं नहा लूँगी एंड नहाने के बाद जो है हमें पूजा करने जाना है। तो यहाँ पे मैं बाल धो के नहाऊंगी, क्योंकि पूजा जिस दिन आप फास्टिंग करते हो तो उस दिन आपको बाल धो के नहाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं जो हूँ बाल धो के नहा ली हूँ। अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर मंदिर नहीं है, तो यहाँ पे छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे हम अपने भगवान को रखते हैं, तो यहाँ पे ही जो है मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अगरबत्ती जला रही हूँ एंड उसी से पूजा करूँगी। मुझे प्रॉपर पूजा करने नहीं आता है, तो जितना आता है मैं उतना ही करती हूँ, और मुझे लगता है जितना शक्ति उतना ही भक्ति, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे अब पूजा कर लूँगी पहले। तो मैं पूरे घर में जो है अगरबत्ती दिखा दूँगी, सारी जगह जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वहाँ हर जगह मैं अगरबत्ती दिखा दूँगी एंड अच्छे से जो है हम पूरे घर को पूजा कर लेंगे। यहाँ पे मैं सूरज भगवान को पूजा कर रही हूँ एंड देन मैं पूरे घर को पूजा करके अपना जो है पूजा का रूटीन ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी दिनचर्या की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, तो हमारे साइड खाना नहीं होता है तो नींबू पानी पीना होता है, तो मैं नींबू पानी पी रही हूँ और मेरे साथ जो है मेरी सिस्टर भी करती है फास्टिंग, तो उसके लिए मैंने ये चाय बनाया है। और चाय बनाने के बाद जो है मैं चली गई थी थोड़ा सा रूम सेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है रूम सेट ही था बट थोड़ा बहुत जो कपड़े इधर उधर हुए हुए थे उसे जो है मैं अच्छे से सेट करके रूम को सजा दूँगी, क्योंकि आज जो है घर क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि आज पूजा कर रहे हैं भगवान को याद कर रहे हैं, तो क्लीन घर में जो है भगवान को याद करना चाहिए, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैं सारा कुछ क्लीन करके रख ले रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़ करने के बाद जो है मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हमें जाना था कार के काम के लिए, तो हमारा कार जो है सर्विसिंग में दिया हुआ था तो उसे लाने के जाना था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं जो हूँ रेडी हो रही हूँ। तो मैं रेडी होके चलती हूँ, कार को लेके आते हैं। तो सर्विस सेंटर से आने से हमें जो है लेट हो गया था, तो शाम हो गया था, तो अभी मैं जो हूँ संध्या दे दूँगी भगवान को, शाम में जो है अगरबत्ती जला देंगे हम यहाँ पे, तो उसी के लिए जो है यहाँ पे मैंने हाथ मुँह धो लिया है। अब यहाँ पे जो है मैंने धूप दिखा दिया है भगवान को एंड धूप दिखाने के बाद संध्या के बाद जो है मैं चलूँगी भोग बनाने के लिए, तो हम भगवान को जो चढ़ाएँगे और उसके बाद जो मैं उसी को एज अ प्रसाद खाऊँगी, तो उसके लिए चलेंगे हम प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सब संध्या दे दे रही हूँ हर एक घर में अच्छे से, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भोग बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैं जो खाना बनाती हूँ फास्टिंग वाला, वो प्योर घी में बनाती हूँ, पूरा घी में ही बनता है, तो उसके लिए मैंने घी निकाल लिया है और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया है, सूजी एंड चीनी निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे हलवा। तो हाँ, तो मीठे में मैं हमारे यहाँ जो होता है ना, आपको फास्टिंग खोलना है तो या तो आप मीठे से खोल सकते हो या तो आप फ्रूट से खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज जो है हलवा बना रही हूँ और पराठा बनाऊँगी, तो उससे हम जो है अपना फास्टिंग खोलेंगे। और हमारे यहाँ जो है सनसेट के बाद ही जो है आप फास्टिंग खोल सकते हो, उससे पहले आपको अन्न वगैरह नहीं खाना है। वैसे तो फास्टिंग तोड़ने के बाद भी अन्न नहीं खाना है, सिर्फ आप फ्रूट्स खा सकते हो एंड मीठा खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो हूँ हलवा बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसमें घी में मैंने सूजी डाल दिया है और इसे ब्राउन होने तक हम भूजेंगे। तब तक जो है मैंने जो ड्राई फ्रूट्स भूज के रखा था उसे जो है कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को रैंडमली चॉप कर ले रही हूँ और इसे जो है हम एज ए गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो हमारा जो है सूजी भी जो है भूज रहा था साइड में, तो उसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे और उसके बाद दूध ऐड करके उसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो यहाँ पे मुझे दूध लगा थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं दूध और ऐड कर रही हूँ। और अब जो है हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे एंड इसे बंद कर देंगे। तो ये हमारा हलवा बन गया है, अब हम इसे भगवान को चढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने भगवान को चढ़ा दिया। और साइड में जो है मैं आटा गूंद ले रही हूँ पराठा के लिए, तो इसके बाद जो है हम पराठा भी बना तो लेंगे। मैं जो अपना फास्टिंग हो वो पराठा और कुछ मीठा हलवा हो गया या सेवई से खोलती हूँ, बट मेरी सिस्टर तो वो भी नहीं करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट से खोलती है। तो वो तो पूरा जो है शिव जी की भक्त है, इसलिए वो पूरा प्रॉपर करती है, बट मुझे थोड़ा सा भूख लग जाता है, इसलिए जो है मैं अपने लिए पराठा और हलवा या फिर कुछ भी मीठा बना लेती हूँ और उसके संग ही जो है मैं अपना फास्टिंग तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पराठा बेल लिया है और इसे अब हम सेक लेंगे। तो इसे जो है मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया है मैं सारा खाना जो है घी में ही बनाती हूँ, जो भी फास्टिंग का खाना होता है तो सब कुछ जो है मैं घी में बना के, एंड ये रहा हमारा खाना। तो यही होगा मेरा आज फास्टिंग का खाना और मैं इसी से जो है अपना फास्टिंग तोड़ूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ और साथ में टीवी भी देख रही हूँ, टीवी नहीं देखना चाहिए था बट मैं टीवी देखते हुए खा रही हूँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा और होपफुली कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।